this is dr bupesh once again from dr bkm institutes your oet mentor and thank you for watching our videos to all our youtube followers and especially to our students of dr bkm institutes thank you so much for everything and keep listening to our videos and keep learning that is what it is all about these lectures which i record is always is always having one intention that at the end of the day you should be able to clear your test तो मैं आज का राइटिंग अगेन शुरू कर रहा हूँ जिसको ना स्टार्ट द राइटिंग हमेशा राइटिंग को लास्ट से शुरू करते हैं लास्ट से क्यों शुरू करते हैं बिकॉज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू नो इन माई राइटिंग कि आज मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ समझो कि अगर मैं आपको कोई ऑर्डर दूँ कि आपको ईमेल लिखनी है तो आप सबसे पहले ये पूछोगे ना सर किसको लिखनी है क्योंकि अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट को ईमेल लिखनी होगी तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से डाटा सिलेक्शन करोगे पेशेंट के बारे में बताओगे अगर आपको साइकोलॉजिस्ट की ईमेल लिखनी होगी तो आप साइकोलॉजिस्ट को बताओगे कि सोशली बंदे को ये प्रॉब्लम है ये अलोन रहता है इसको ये सब प्रॉब्लम है मीन्स हमारा जो डाटा सिलेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं तो सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड लेटर किसको लिख रहे हैं यूज द यूज द इनफॉर्मेशन इन द राइट लेटर ऑफ रेफरल टू डॉक्टर केट मोरे रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल तो आज का लेटर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ डॉक्टर को जब भी आपको बहुत सारी डेट्स दी होती हैं तो ये मतलब कि विजिट लेटर है तो विजिट लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हमेशा नहीं होता ऑफ द टाइम्स इफ डेट्स आर गिवन दैट मींस इट इज अ विजिट लेटर तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फिफ्थ ऐसे लेटर्स में बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि इनके जो वर्ड काउंट होते हैं वो टू फिफ्टी तक आराम से पहुंच जाते हैं तो हमेशा याद रखना है हाउ टू कंट्रोल द वर्ड काउंट वर्ड काउंट कंट्रोल ये समझ के होगा कि ये विजिट सबसे इंपॉर्टेंट विजिट है बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें से आप काफी पॉइंट स्किप कर सकते हो काफी पॉइंट लेकिन जो लास्ट विजिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट विजिट इसलिए होती है क्योंकि ये करंट कंडीशन है पेशेंट की तो आप इसमें से डाटा कम नहीं करना चाहते बहुत कम कम करना चाहते हो तो आप इसमें से मेजर चीजें लिखना चाहते हो और डॉक्टर को ये बताना चाहते हो कि आज पेशेंट की कंडीशन ये है मैं इसलिए आपके पास भेज रहा हूं आज पेशेंट की कंडीशन है तो हम देखते हैं आज पेशेंट की क्या कंडीशन है तो ट्वेंटी फेब्री टू थाउजेंड होम तो हमें पेशेंट के घर पे बुलाया हमने देखा कि पेन बढ़ गया है बैक में बढ़ गया है डाउन टू लेफ्ट लेग जा रहा है पेन मेडिकेशन से कंट्रोल में नहीं आ रहा है लोअर लेफ्ट लेग नंब हो गई है तो ये पेशेंट की कंप्लेंट है इस पेन के कारण पेशेंट बेड से नहीं उठ पा रहा है उसका एस एल आर स्कोर जो है वो सिर्फ टेन डिग्री है और थर्टी टू फिफ्टी डिग्री राइट लेग में है लेग हैज नो एंकल रिफ्लेक्स डिक्रीज टोज एक्सटेंशन डिक्रीज फ्लेक्शन मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है पेशेंट उठ नहीं पा रहा है ही इज इज अनेबल टू मूव आर नॉट वर्किंग पेन देयर तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए तो उसने घर पे बुलाया है देन देर इज ऑल्सो अबाउट रेंडम कंट्रोल दिस वट इज नेक्स्ट थिंग या, yeah. भी so आया है, जो बढ़ चुका है क्योंकि नर्व रूट कंप्रेशन है, है, है. यानी जो इसको पेन हो रहा है जो ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है इट हैपनिंग ड्यू टू नर्व रूट कंप्रेशन एंड प्रोलैप्स तो ये मेन प्रॉब्लम है आज की पेशेंट की यानी कि अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस की बात करूं तो मेरे को पर्पस तो पता लग गया है दैट पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है उसका पेन मेडिकेशन से नहीं जा रहा है और उसको नर्व रूट कंप्रेशन है यही तो पर्पस है तो हमने एम्बुलेंस बनाया और उसको फटाफट रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में भेज दिया है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में और ऑर्थोपेडिक रजिस्ट्रार को फोन कर दिया है फॉर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए और ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के लिए तो ऑर्थोपेडिक जो रजिस्ट्रार है उसको फोन कर दिया है और हम लेटर लिख रहे हैं डॉक्टर केट मरे को ये बताया नहीं है ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है या क्या है ये यहाँ पे शायद दिया नहीं हुआ एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं तो इस वाले का इतना इंपॉर्टेंस नहीं तो अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ प्लीज समझना अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है पर्पज का तो आपको सिर्फ इतना सा सीखना है सिर्फ इतना सा जो असेसमेंट दिया है उसको सीखना है और उसको लिखना है तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ कभी भी मुश्किल नहीं करना फर्स्ट पैराग्राफ को तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ मेन प्रॉब्लम लिखनी है यानी कि ये असेसमेंट सो so, बिल्कुल जो दिया हुआ है वही लिखेंगे तो हम फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पज लिख रहे हैं दिस लेटर इज बी रिटर्न रिगार्डिंग पेशेंट का नाम मिस्टर वीनि जब प्रेजेंट में होता है तो हैजीन का यूज करते हैं तो ये आज की डेट है यानी प्रेजेंट है तो मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूँ यानी हमारे द्वारा असेस किया गया है हम लेटर लिख रहे हैं मिस्टर विलियम्स के लिए जिसको हु एंड disc देयर Therefore, बस इतना सा काफी है देयर इसलिए ही इज being रेफर्ड अंडर your expertise. वहां पे क्या दिया है फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑर्थोपेडिक सो फॉर जो दिया वही लिखेंगे क्या दिक्कत है आपका पूरा, आ गया, कि हम पेशेंट को क्यों भेज रहे हैं क्योंकि उसको नर्व रूट कंप्रेशन और डिस्क प्रोलैप्स से असेस किया गया है असैस का मतलब पक्का नहीं है मतलब असेस का मतलब होता है लग रहा है सो हीस्पिटलाइजेशन एंड ऑर्थोपेडिक असेसमेंट अब यहाँ पे थोड़ा सा जीव लग रहा है एक तरफ से तो हम लिख रहे हैं हमने असेस कर लिया है ऊपर से हम कह रहे हैं कि हम आपके पास भेज रहे हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के लिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहूंगा दैट इज वट यू नीड टू अंडरस्टैंड आप दो तो बार अच्छा नहीं लग रहा ना लिखते हुए कि भाई हमने भी असेस कर लिया है तो हम कह देते हैं हु हैजिन प्रोविजनली डायग्नोज विद प्रोविजनली का मतलब होता है हमारा करंट डायग्नोसिस प्रोविजनली का मतलब होता है करंट तो हमारा करंट डायग्नोसिस है ये और आपके पास भेज रहे हैं इसके लिए और ऑर्थोपेडिक के लिए अगर आप यहां पे लिखना चाहते हो ऑर्थोपेडिक की जगह एक्सपर्ट असेसमेंट तो और भी अच्छा लगेगा पर यहां पे हमने एक्सपर्टीज वर्ड लिख दिया है इसलिए मैं एक्सपर्ट दो बार नहीं लिखना चाहता था तो फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट पर्पस तो पर्पस में मैंने बता दिया है कि पेशेंट को नर्व रूट कंप्रेशन है और ये है अगर आपको थोड़ा सा और लिखना चाहते थे मेडिकेशन के बारे में विच इज नॉट करंटली रिलीव विद मेडिकेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशन तो और भी अच्छा हो जाता है कि पेशेंट की हालत इतनी खराब है सर कि मेडिकेशन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है देयर फॉर भी इज बिंग रेफर्ड अंडर यूर एक्सपर्टीज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑर्थोपोडिक यहां पर लिख सकते हैं एंड फॉर एक्सपर्ट एसेसमेंट एक्सपर्ट असेसमेंट अच्छा नहीं लग रहा ऑर्थोपैडिक ही रहते हैं ठीक है सो प्लीज वही लिखना है जो आपको समझ आता है और अच्छा लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया अब मैंने आपको बताया कि लास्ट पैराग्राफ में से हम बहुत ज्यादा कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो यानी आज के लेटर में मैं पहले से ही डाटा सिलेक्शन ध्यान से लेके चलूंगा मेरे को लास्ट पैराग्राफ पता लग गया असेसमेंट के लिए भेजना है और कहां पे भेजना है ग्रीन ग्रेटन स्ट्रीट रॉयल पार्क में भेजना है रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में तो मेलबर्न हॉस्पिटल रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है वहां पे भेजना है पेशेंट को चलो देखते हैं अब मिसेस टैलले विलियम्स अब सेकंड पैराग्राफ सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री तो ये दे रखा है Stanley Williams is the builder, regular patient ऑफ our country मेडिकल सेंटर इन मिडोरा तो मतलब हमारा रेगुलर पेशेंट है आता रहता है हमारे पास और क्या है और बिल्डर है थ्री फिलो थ्री फिफ्टी किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मेलबोर्न रहता है प्रेजेंट ओकेजनली विद लोअर बैक पेन तो आता है नॉर्मली लेकिन लोअर बैक पेन इसका ठीक हो जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी से क्लियर अप हो जाता है तो स्पाइनल एक्सरे हमने वन ईयर अगो करवाया था तब उसमें पता लगा था कि इसके एल फोर और एल फाइव में जो नैरोइंग हो रखी है और साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन है एल फाइव से लेके एस वन में जो भी ये दिया एल फाइव से लेके सेक्रम वन तक तो शायद सर्वाइकल लंबर सेक्रम ऐसे होता है तो एस वन तक इसको ये प्रॉब्लम है हैज नॉन इंसुलिन कंट्रोल डायबिटीज बाय डाइट एंड एक्सरसाइज तो मतलब इस वाले पॉइंट में से मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है पेशेंट ये वाला तो लिखना जरूरी नहीं है बस ये लिख देते हैं इज अ बिल्डर ये भी जरूरी नहीं है वैसे चलो लिख देते हैं इज अ बिल्डर

ऑन ट्वेंटी थर्ड जब वो इस बार पहली बार आया तो इसको फर्स्ट विजिट नहीं लिख सकते क्योंकि पेशेंट नॉर्मली भी हमारे पास आता ऐसे आता रहता है तो नॉर्मली हम जब फर्स्ट विजिट लिखते हैं तो लिखते हैं ऑन फर्स्ट विजिट पर इस वाले लेटर में फर्स्ट विजिट इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास आता रहता है तो हम कह देंगे ऑन ट्वेंटी थर्ड फेबर ही प्रेजेंटेड विद इसको विजिट में मत लिखो क्योंकि वो वैसे भी पेशेंट हमारे पास ये छोटी छोटी बातें यार दीज आर द स्मॉल थिंग्स क्योंकि ऐसे अगर आप लिखोगे ऑन फर्स्ट विजिट

तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दिट स्पेस एज वेल आपको विजिट भी लिखना सिखाना चाहता हूँ चलो कोई बात नहीं तो यहाँ पे अभी चलो पहले डाटा पढ़ लेते हैं वर्स लेफ्ट साइड पे ज्यादा है और थाई थाई में जा रहा है पेन तो उसके लिए उसने मेडिकेशन ली पेन थोड़ी देर के लिए सेटल्ड हो गया लेकिन फिर दोबारा मॉर्निंग में दोबारा हो गया मतलब यस्टरडे उसको पेन हुआ था मेडिकेशन ली ठीक रहा सुबह उठ के दोबारा था आपने काम पे नहीं जा पाया कुड नॉट गो टू वर्क और लेफ्ट हिप पे हाथ रखा हुआ यानी बहुत ज्यादा और धीरे धीरे चल रहा है टेंडर अराउंड चल रहा था ट्वेंटी थर्ड को स्पाइन मसल एस एल आर पॉजिटिव था लोअर हैज नो तो अब इनमें से पेन वॉज इनिबिटिंग जो जो आपको बहुत ही नेगेटिव बातें लग रही है सिर्फ वही उठाओ एंड पेन वॉज हिटिंग इनिबिटिंग लंबर फ्लेक्सीबिलिटी एंड एक्सटेंशन तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने लिख लिया था पे. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ अगर मुझे लिखना है तो मिस्टर विलियम्स

ट हैप्पी है, तो, तो, तो ये प्रेजेंट इंड नॉर्मली ऐसा होता है first form के साथ चलता है कि नॉर्मली जब भी आप हैबिट की बात करते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को यूज करते हो कि नॉर्मली वो मेडिकेशन के साथ ठीक हो जाता है ठीक है इसके अलावा इन पास्ट या वन ईयर हो गो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो वन ईयर हो

जहां पे जरूरत लगे वहां लगाओ नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल डोंट यूज कनेक्टेड केस ऑफ एन आई टी डी एम नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलेटस, विच इज कंट्रोल्ड बाय विच इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड एक्सरसाइज तो हमने पेशेंट का बैकग्राउंड भी बता दिया कि इसको डायबिटीज है और मुझे पता है मैंने एक डाटा पढ़ा था कि लास्ट विजिट में डाटा दिया हुआ था उसका शुगर लेवल फोर्टीन मिलो मिलीमोल्स पे पहुंच गया है इस कारण से मुझे ये डायबिटीज वाली बात लिखनी है नहीं तो मैं नहीं भी लिखता तो चल जाता लेकिन मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन को ये बताना चाहिए कि पेशेंट को डायबिटीज है इस कारण से मैंने बता दिया है तो अब तक लगभग मेरा जो लेटर बना है वो कुछ ऐसा बना है अगर आप सब देखो तो ये मेरे टू पैराग्राफ्स बने हैं इतना आसान अभी तक आपने सिर्फ यही लिखा है और टाइम भी नहीं लगा अभी तक हमें बात करते हो शायद फिफ्टीन मिनट्स भी नहीं हुए टोटल नाइनटीन मिनट्स हुए तो दिस लेटर इज बिंग रिटर्न पहले में आपने लिखा हैज प्रोविजनली डायग्नोज विद फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट विजिट से पर्पज उठाया और बताया कि मेडिकेशन को कंडीशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इसलिए आपकी एक्सपर्टीज चाहिए फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड अर्जेंट असेसमेंट ठीक है मिस्टर विलियम बिल्डर है हमारे पास आता रहता है पेन होता है उसको स्पाइनल एक्सरे करवाया था पिछले साल तब पता लगा था कि ये है सो अब आप कहते हो अब आज का डाटा अब प्लीज आज का डाटा देखो यानी कि ऑन ट्वेंटी थर्ड तो कुछ नहीं बस नेक्स्ट पैराग्राफ आप आपको पता लग रहा है यार डाटा ज्यादा होने वाला है तो आपको प्लीज डाटा को कंट्रोल करना है और डाटा को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं आप ऐसा करो ना आप सब कुछ मत लिखो पहली दो विजिट्स को मिक्स कर दो सब कुछ मत लिखो पहली दो विजिट्स को मिक्स कर दो यानी कि आप ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फिफ्थ को पढ़ो क्या क्या लग गया है ट्वेंटी थर्ड को भी पेन के साथ आया तो हमें लगा डिस्क प्रोलैप्स है या नर्व रूट इरिटेशन है हमने कहा मेडिकेशन लो रेस्ट करो फिर ट्वेंटी फिफ्थ को फिर फिर आया कोई चेंज नहीं हुआ पेन में और क्या हुआ पेन बल्कि वर्स हो गया और उसकी डिफिकल्टी थी और उसको एस वही था नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स तो पहली दो विजिट में कोई खास बात नहीं है दूसरी विजिट में तो कोई खास बात हुई नहीं है नो इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम तो हमने एनएसट को इंक्रीज कर दिया थ्री टाइम्स पहले कितनी दी थी एनएसट्स पहले दी थी टू टाइम्स डेली एंटी टरी अब हमने तीन टाइम तो मेरे पास पहली दो विजिट में सिर्फ इतना ही है तो अब प्लीज ध्यान से सुनना अब मैं इसको याद भी नहीं रखूंगा सिर्फ उतना याद रखूंगा लोअर बैक की पेन जो नॉर्मल से वर्स है बैक टेन टू लेफ्ट थाई मेडिकेशन से नहीं जा रहा है पेशेंट धीरे धीरे चल रहा है तो मेन असेसमेंट ये है कि डिस्क प्रोलैप्स है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा है और और का मतलब या तो ये है या ये है तो या तो उसको डिस्क प्रोलैप्स है या नर्व रूट इरिटेशन है फ्रॉम facet एड ज्वाइन तो हमने कहा अब एड्रेस दो दिन के बाद फिर वो आया चेंज नहीं हुआ अब देखना प्लीज़ मैं बल्कि इसको देख के लिखूँगा नहीं क्योंकि देख के एंगजाइटी होती है तो हमेशा जब मुझे अपने वर्ड काउंट कम करना है तो मेरे को एंगजाइटी को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल लिखने के लिए बिना देखे लिखना चाहिए तो मैं अब आपको कोशिश करूंगा आपके सामने बिना देखे लिखने के वर्ड काउंट वैसे आप देखो तो अब तक कब मैं आपको वर्ड काउंट बता देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो लगभग फिफ्टीन या थर्टीन वर्ड्स है फर्स्ट पैराग्राफ में वन टू थ्री फोर क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमने मिस किए है, तो हैं तो फोर मान थ्री लाइन्स ये फोर माने हम टोटल तो फोर प्लस थ्री सेवन लाइन सेवन इंटू फिफ्टीन यानी ऑलमोस्ट आपके सेवेंटी फाइव वर्ड्स तो वैसे ही हो चुके हैं और आपको लास्ट विजिट बहुत ज्यादा लिखनी है ये भी आपको पता है तो यानी आपके पास वर्ड काउंट बचता ही कितना है यानी आपको जो बीच वाली तीन विजिट्स हैं ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बीच वाली जो तीन विजिट्स हैं वो टू हंड्रेड में से अगर फिफ्टी वर्ड्स लास्ट लाइन में लिख रहे हो या तो फिफ्टी से भी ज्यादा लिखोगे सिक्सटी तो सिक्सटी और सेवनटी फाइव के बीच का गैप रह गया ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटी ऑलमोस्ट एटी फाइव वर्ड्स यानी आप अगर ऐसे फिफ्टीन वर्ड्स एक लाइन में लिखते हो तो सिर्फ पांच या छह लाइने लिख सकते हो क्योंकि फिफ्टी लाइन फिफ्टीन वर्ड्स एक लाइन में लिख के नाइन्टी वर्ड्स करने के लिए आपको फिफ्टीन इंटू सिक्स नाइन्टी सिक्स लाइन लिख सकते हो तो अगेन आपको बहुत आराम से लिखना है फेब्ररी टू थाउजेंड सेवन अब जितना याद रहेगा ही प्रेजेंटेड विद लोअर बैक पेन विच वॉज वर्स देन यूजल हिज एस एल आर वॉज फोर्टी फाइव डिग्री या मेन चीज लेफ्ट लेकअप आते हैं द पेन His left leg, जो भी वहाँ पे दिया था एक बार मैं भूल गया हूँ सॉरी आई टू रीड इट अगेन सो लेफ्ट लेग में क्या था वर्स लेफ्ट लेग लेफ्ट लेग में ज्यादा है एंड इट इज गोइंग बैक टू लेफ्ट था कुड नॉट गो टू वर्क ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एस एल आर ऑन लेफ्ट साइड इज फोर्टी फाइव डिग्री मेन चीज यही बताना चाहते हैं तो असेसमेंट है सो so, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एक बार मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको इजी करने के लिए ताकि आप सब यहीं से देख सको ऑन मेरे लिए भी इजी रहेगा प्लीज ध्यान से देखना और मुश्किल नहीं है प्लीज आराम से देखना जल्दी मत करना सिर्फ एक ही चीज चाहिए होगी जब आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो पेशेंस चाहिए होगा तो बाकी आपको देखना कितना आसान हो जाएगा ही पेन विच वॉज वर्स

टू लेफ्ट था ठीक है अब डोंट राइट एवरीथिंग एस एल आर भी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट में मेरी विजिट में एस एल आर टेन डिग्री दे रखा है तो इस कारण से ये डाटा भी लिख रहा हूँ का मतलब होता है स्ट्रेट लेग रेज कि वो अपनी लेग को रेज भी नहीं कर पा रहा तो हिज एस एल आर वॉज फोर्टी फाइव डिग्रीज सिंपल एट दैट टाइम ये बहुत अच्छा वर्ड होता है एट दैट टाइम उस टाइम पे जब आपको और वर्ड दिया तो इसका मतलब सस्पेक्टेड है एट दैट टाइम और का मतलब होता है या तो ये है या तो ये यानी सस्पेक्टेड है एट दैट टाइम ही सस्पेक्टेड विद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस लेटर की ही जब भी आपको और वर्ड आएगा ही वार सस्पेक्टेड विद आइदर डिस्क प्रोलैप्स तो आप यहाँ पे पॉसिबल वर्ड नहीं लिखोगे क्योंकि पॉसिबल का मतलब हो गया शायद तो पॉसिबल वर्ड सस्पेक्टेड में कवर हो गया

ये कहां पे दिया है ये यहां पे दिया टू टाइम्स डेली टू टाइम्स अ डे अब नेक्स्ट विजिट को इसी में कंबाइन कर दो नेक्स्ट विजिट को बोलते हैं फॉलोइंग विजिट द फॉलोइंग विजिट अब ये नेक्स्ट विजिट है सो ट्वेंटी थर्ड द फॉलोइंग विजिट जो उसके बाद फॉलो अप विजिट आ रही थी द फॉलोइंग विजिट इन इन पेन सेज इट्स नोट इट्स नो वर्स देन बिफोर दिस एंड दिस नो इम्प्रूव ऑफ सिम्टम्स बट नो वर्स The patient reported no improvement. इसी लाइन को कनेक्ट करो कि पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी सो द डोज ऑफ एन एसिड वॉज इंक्रीज टू थ्री टाइम्स अ डे बस एक ही लाइन उठाई है मैंने क्योंकि एक ही मेजर हैपनिंग हुई है नेक्स्ट विजिट में ट्वेंटी फिफ्थ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ कुछ भी कम नहीं हुआ तो हमने कहा कि पहले की तरह ट्रीटमेंट लो और एनएसएड की डोज को थ्री टाइम्स कर दिया टू टाइम्स की जगह बस दैट वाज द ओनली चेंज सो so, ये बन गया मेरा थर्ड पैराग्राफ सो दैट इज माय थर्ड पैराग्राफ पहले दो हमने लिख दिए थे थर्ड पैराग्राफ हमारा ये बन गया तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये हमारा फाइनल लेटर तैयार हो रहा है अब देखो आपके पास इतनी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कुछ सोच सको और बहुत सारा टाइम दे सको तो आपको इसी में लिखना है जो लिखना है वर्ड काउंट को बचाना है तो वर्ड काउंट के लिए आपको बोल्ड बन, बनना पड़ेगा आपके पास और कोई चारा नहीं सो so ये आपका बन गया नेक्स्ट अब देखो वर्ड काउंट तो पहले से ज्यादा हो रहा है तो अब हमें और भी ध्यान से लिखना है तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे तो यानी कि लास्ट विजिट प्रीवियस विजिट में क्या हुआ ट्वेंटी नो चेंज इन द बैक पेन रेडिएटिंग लेग पेन गोट वर्स मोर कॉन्स्टेंट तो और खराब हो गया तो ऑब्वियसली पेन था ये वो सिम्टम्स वर्स हो रहे थे और इन एक्टिविटी के कारण डायबिटीज और भी वर्स हो रही थी बिकॉज पेशेंट वॉज नॉट मूविंग तो डायबिटीज और भी खराब हो रहा था सो तो हमने सेम कंटी तो इस विजिट में कुछ नहीं है इसको रहने देते हैं ठीक है टूडे लिखते हैं सीधा ऑन ट्वेंटी बस आप इसको भी उसी में कम्बाइन कर दो ऑन ट्वेंटी सेवन ऑल्सो देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट बल्कि हम ऐसा करते हैं ना सबसे बेस्ट हम एक चीज़ ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हमें बेस्ट करना है तो हम इसी में लिख देते हैं देखो अब आपको डाटा ही तो बचाना है आपके पास डाटा है मैंने आपको बताया था तो आप यहाँ पे क्या करो फोर्टी फाइव डिग्रीज ऊपर लिख दो ये तो करना ही है तो यहाँ पर लिख दो ऑन सब्जिक्वेंट विजिट्स मतलब नेक्स्ट दो विजिट में कोई खास चीज नहीं ऑन विजिट्स इसको इकट्ठा कर दो अब उस बात को अच्छे से मत लिखो कि एसिड को पढ़ाई थी ऑन नेक्स्ट टू विजिट्स द पेशेंट शोड नो इंप्रूवमेंट ये वाली लाइन को बस यहाँ पे ये सारा लेटर अपने आप कवर हो जाता है कि ट्वेंटी थर्ड फेबर को हमारे पास आया था यहाँ पे आपको डाटा हिम्मत मार के बचाना पड़ेगा नॉर्मली वी हैव अ माइंडसेट कि ज्यादा लिख दो पर ओ में माइंडसेट सेट ऐसा रखना है कि कितना डाटा आप बचा सकते हो तो हमने लेटर लिखा आप देखो ऑर्थोपेडिक सर्जन के हिसाब से देखो कि हम पेशेंट को भेज रहे हैं सर हैज हुजिन प्रोविजनल डायग्नोज नर्व रूट कंप्रेशन डिस्क डिस्प्रोलेब्स कंडीशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ये वैसे भी मेन बात ऑर्थोपैडिक के हिसाब से सोचो कि ये मेन हमारे पास वैसे भी आता रहता है एक साल पहले भी हमने इसका एक्सरे करवाया था फिर ये ट्वेंटी थर्ड को हमारे पास दोबारा आया लेकिन इस बार पेन वर्स था और पेशेंट शोड नो इम्प्रूवमेंट हमने जो भी मेडिकेशन दी थी कुछ भी काम नहीं किया फिर हमने कहा सीधा मतलब यहीं यहीं पे पे आपका डाटा है यहीं पे आपको हिम्मत फिर टुडे तो आपको सिंपल ये पैसिव वॉइस है पेशेंट हमारे द्वारा विजिट किया गया है टुडे द पेशेंट हैज बीन विजिटेड यहां से आपका चलेगा तो मैं आपको लास्ट पैराग्राफ अगेन वहीं पे लिख के दिखाता हूँ तो मीन मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया इन दो विजिट्स को छुपा दिया बीच वाली विजिट्स को क्योंकि कोई मेन चीज नहीं लग रही थी अब टुडे विजिट मेरा मेन है टुडे अगर आपको डाटा को बचाना है तो ये करना पड़ेगा टुडे ये सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस द पेशेंट हैज बीन विजिटेड एट हिज होम उसके घर पे विजिट किया गया है क्यों विजिट किया गया है एज ड सिवियर पेन विच वॉज नॉट कंट्रोल्ड विद मेडिकेशन तो मैं पास्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कल की कहानी सुना रहा हूं कि पेशेंट ने मेरे को ये बताया और मेरे को घर पे इसलिए बुलाया तो मैंने ये लिखा द पेशेंट हैज बीन विजिटेड एट इज होम क्यों किया मैंने वाई डिड आई विजिट

इज ओनली टेन डिग्री यानी उसकी जो लेग की मूवमेंट है वो कम होती जा रही है मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूं टेन डिग्री ऑन द लेफ्ट लेग राइट लेग में एंड इट इज ओनली थर्टी टू फोर्टी डिग्री इन द राइट लेग थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है लिखने के लिए और पेपर में थोड़ी एनर्जी भी लगेगी जब ऐसा लेटर आएगा डन आपने बता दिया कि ये सब चल रहा है अब इनमें से जो भी आपको लगता है हिज लेग हैज नो एंकल रिफ्लेक्स अगर मन करता है लिखने का आपके पास वर्ड है तो लिख दो हिज लेग हैज नो एंकल रिफ्लेक्स डिक्रीज टोज एक्सटेंशन एंड एंकल रिफ्लेक्शन बस ज्यादा मत लिखो हिज रैंडम ग्लूकोज लेवल हैज इनक्रीज टू फोर्टीन मिली मोल पर लीटर देर फोर अब हमने बता दिया ये सब

मेन मैं चाहता हूं बट वट आई वॉन्ट इन दिस लाइन की आपने देर फॉर ही का नाम असेसमेंट ऑफ डिजीज सॉरी असेसमेंट ऑफ डिजीज का नाम बाकी लिख दिया हैज बीन मेड पर ये दो डिजीज थी इसलिए जिसने लिखा असेसमेंट ऑफ दिस एंड दिस हैव बीन मेड फॉर योर एक्सपर्टीज इज हाईली अब प्लीज इसको लंबा मत करो पहले वर्ड काउंट ज्यादा है फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड पहले he ही काउंट ज्यादा है आपको ये कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा बस खत्म लास्ट पैराग्राफ तो मींस जो लेटर इतना मुश्किल लग रहा था आपको लगेगा मैंने मुश्किल किया लेकिन आप सच में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने मुश्किल किया अगर आप देखोगे अगर आप ये मत देखोगे क्या क्या डिडक्ट किया तो आप अब इस लेटर को फाइनली पढ़ के देखो तो आपको पता लग जाएगा कुछ भी मुश्किल नहीं हो ये आपका फाइनल लेटर है तो सब सोचो एग्जामिनर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उसके पास ये लेटर गया है दिस लेटर इज बिंग रिटर्न दिस कंडीशन एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशन आपके पास भेज रहे हैं बिल्डर है हमारे पास आता रहता है एक्सरे करवाया था ये सब हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी को ट्वेंटी थर्ड फेबररी को आया था पेन बहुत ज्यादा था कम नहीं हो रहा था मेडिकेशन दी डिस्क प्रोलैप्स या नर्व रूट इरिटेशन लग रहा था और हमने का बेड रेस्ट कर लो सब्सिक्वेंट विजिट्स में भी पेशेंट की कोई इंप्रूवमेंट नहीं आज पेशेंट के घर गए थे वहां पे देखा बहुत सीवियर पेन है मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है पेशेंट बेड पे चल भी नहीं पा रहा है लेफ्ट एंकल रिफ्लेक्स सिर्फ टेन डिग्री रह गया है अब हाँ इसलिए हमें ये असेसमेंट लग रही है जिसके लिए हम आपके पास भेज रहे हैं आप प्लीज इस आंसर को पढ़ना जब आप ऑल द यूट्यूब फॉलोअर्स एंड ऑल द पीपल हु आर टू मी एट द मोमेंट प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग को अब ये पढ़ना तो आपको पता लगेगा आपसे सिंपल और इजी लेटर कोई नहीं लिखे आया एग्जामिनर ये नहीं देखेगा एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने क्या क्या छोड़ दिया वो तो आपने पेन लिया छोड़ने का ये तो आपका पेन है जो आपको छोड़ने में पेन हुआ एग्जामिनर को लेकिन इससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को तो सिर्फ इससे मतलब है आप प्लीज इसको दो तीन बार पढ़ के देखो आपको पता लिखे लगेगा कि आपने कितना आसान और कितना अच्छा लेटर लिखा है so सो यही ओ राइटिंग का आर्ट है कि यू हैव टू मेक इट वेरी 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 सिंपल और ग्रामर भी बिल्कुल सिंपल सब कुछ सिंपल एंड आपका लेटर इतना आसान हो पढ़ने में जैसे हमें लिखने में टोटल थर्टी फाइव मिनट्स लगे हैं वैसे थर्टी मिनट्स लगे हैं और आपको पेपर में टाइम मिलेगा फोर्टी फाइव मिनट्स और एग्जामिनर को टाइम लगना चाहिए सिर्फ दो मिनट चेक करने के लिए सो प्लीज इस लेटर की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना और थोड़ी हिम्मत जुटाना कि डाटा सिलेक्शन को कैसे छोड़ना है अगर कोई थोड़ा बहुत ज्यादा लिख भी देता है और आपका वर्ड काउंट टू ट्वेंटी वर्ड्स भी पहुंच जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपका लेटर टू ट्वेंटी भी पहुंच जाता है तो प्लीज डो नॉट पैनिक इट इज ऑल गुड डोंट रब एनी बस पेपर को मैसी नहीं करना है दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीके एम इंस्टीट्यूट आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज सेवन सिक्स नाइन सिक्स सेवन थ्री फोर टू फाइव सिक्स थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग थैंक यू